आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंट्रोडक्शन चल रहा था और जो हम उसको पढ़ रहे थे डेवलपिंग सोसाइटीज के बारे में, आज हम इस चर्चा आगे बढ़ाएंगे और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो निजी प्रशासन है और जो सार्वजनिक प्रशासन है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या विभिन्नताएं हैं, क्या अंतर है। साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या समानताएं, सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है। इसका अध्ययन करने के बाद में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका कंक्लूजन क्या है और हम क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस तरीके से इनको हम मिला करके एक डेवलपमेंट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे और इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। यदि हम एग्जांपल के रूप में बात करें तो जो भी सरकार के स्वामित्व में है, जैसे डिफेंस है, रेलवे है, एटॉमिक एनर्जी है, ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, लोअर ऑर्डर की बात है, तो ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। इसके अलावा यदि हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में पहले हम एग्जांपल लें तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटाज है, विप्रो है, इन्फोटेक है और भी कई जो निजी संस्थाएं हैं, वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इनको हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे टाटा कंपनी का हमने एग्जांपल लिया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आखिर ये किस तरीके से इनमें डिफरेंस है, आखिर क्या ऐसी बातें हैं जो इनमें डिफरेंस पैदा करते हैं, कौन सी सी चीजें हैं जो इनमें सिमिलरिटीज लाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। इन डिफरेंसेस को हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो राइटर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, विभिन्न राइटर्स ने इसके डिफरेंसेस के बारे में अलग अलग पॉइंट्स रखे, लेकिन उन सबके जो पॉइंट्स हैं, जो एक सामान्य बात निकल के आती है वो इन चार पॉइंट्स में आती है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफरेंसेस जो ये विद्वान बताते हैं, उनके अनुसार जैसे स्टाफ है उनके अकॉर्डिंग चार डिफरेंस है, जो कि इस प्रकार है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, इनिशिएटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस मोटिव। जैसे स्टाफ का कहना है कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, वो सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है। जबकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो रूल के अकॉर्डिंग चलता है,
रूल सबके लिए इक्वल होते हैं, जो भी कार्यवाही होगी, जो भी प्रोसेस होगा वो सबके लिए समान होगा। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़े कस्टमर से अलग तरीके से बिहेव करता है, एक छोटे कस्टमर से अलग तरीके से करता है। उनके जो डिसीजन होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑडिट होती है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए एक तरीके की उसमें कार्यवाही को अंजाम देना पड़ता है। सर, जैसे स्टाम्प के अकॉर्डिंग जो दूसरा डिफरेंस है वो है एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। जैसे तुम्हें पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपने जब पैसे की जरूरत पड़ती है या अपने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए विधानसभा में या लोकसभा में बजट को पास करवाना पड़ता है। इस तरीके से हमें समझते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको बजट विधानसभा के द्वारा दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो उनका फाइनेंशियल कंट्रोल है वो उनके स्वयं के हाथ में नहीं होता है। इसके विपरीत जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होते हैं। जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट होता है, जो ओनर होते हैं, वो अपने हिसाब से उस जो बजट है उसको डील करते हैं। इस तरीके से जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं, उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं करना, इसका जो नियंत्रण है उनके स्वयं के हाथ में नहीं होता है, वो बाहरी हाथ में होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो उत्तरदायित्व है वो हमारे मंत्री के हिसाब से करता है, यानी कोई भी डिपार्टमेंट यदि गवर्नमेंट का कार्य कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उसके कृत्यों की या उसकी गलतियों की या किसी प्रकार का करप्शन होता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो उसके जो पूर्ण जिम्मेदार है वो मंत्री को माना जाता है। जैसा कि हम उदाहरण देख सकते हैं हमारे भारत के प्रशासन में, जब भी कोई रेलवे का एक्सीडेंट होता है या कभी जान माल की हानि होती है तो संबंधित मंत्री अपना इस्तीफा देता है या उसकी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जबकि वो स्वयं वहां पर उसको चलाने के लिए ऑपरेट करने के लिए नहीं होता है या फिर वो उसकी खुशियों की गलती नहीं होती है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी डिपार्टमेंट के में अगर कुछ गड़बड़ होती है, कोई भी चीजें आती है, तो संबंधित जो मंत्री है वो उसका जिम्मेदार होगा। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से मंत्री की होती है और वो अपने डिपार्टमेंट को किस तरीके से संचालित करता है, क्या पॉलिसीज बनाता है, किस तरीके से डिसीजन लेता है, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मंत्री की होगी, चाहे उसके नाम पे उस कार्य को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कर रहे हो। जबकि निजी प्रशासन में या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है, उसका पूर्ण जिम्मेदार उसका खुद का ओनर होता है और उसका मैनेजमेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, वहां कोई भी मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टाम्प के अकॉर्डिंग जो लास्ट जो रेफरेंस है वो है मोटिव का। जब हम ये बात करते हैं मोटिव की, तो हमें समझना होगा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी आखिर मोटिव क्या है और पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मोटिव क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग उनका ये मानना है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो मोटिव वो है सर्विस मोटिव, और प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मोटिव है प्रॉफिट। इन्हें हम कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस तरीके से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करते हैं उनका जो उनका एटीट्यूड होगा, उनकी जो मेंटेलिटी होगी, उनकी जो कार्य करने की मनोदशा होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉफिट मोटिव है, इसका तात्पर्य हुआ कि वहाँ इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को ज्यादा वैल्यूज को ज्यादा वैल्यूज किया जाएगा क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। लेकिन
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्विस मोटिव इम्पोर्टेंट है, यानी उनका जो ऑडिट है, उनकी जो वैल्यू है, वो सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको जांचने का परखने का एक अलग नजरिया होगा, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अलग तरीके से होगा। इस तरीके से हमने आज ही समझा कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।